हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं मीनाक्षी आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग मुझे इतनी देर झेलते हो और मेरी बातों को सुनते हो। दोस्तों, तो चलते हैं आज का कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं। तो क्या दोस्तों, आप लोगों को पता है हमारे घर में कोई भी मेहमान आता है तो उसे पानी क्यों दिया जाता है? नहीं पता ना, क्योंकि हमें ये नहीं पता वो कहाँ से आ रहा है, किस रास्ते से गुजर कर आ रहा है, अपने साथ कौन सी नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा के साथ ला रहा है। और पानी एक ठंडा पदार्थ है, तो जब भी कोई मेहमान व्यक्ति कुछ कोई भी हमारे घर आता है, हम उसे पानी देते हैं पीने के लिए और साथ में मीठा भी ज़रूर देते हैं, क्योंकि पानी का तासीर ठंडा होता है। और जब वो पानी पीता है तो उसके साथ जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, सकारात्मक जो भी होती है ऊर्जाएँ, वो शांत हो जाती हैं। और उसके बाद मीठा खा के वो अपने मतलब खुश हो जाता है पानी पी के। और मतलब अगर वो इस गर्मी में, तपती गर्मी में उसे पानी मिल जाए तो मन ही मन उसके रोएं भी आशीर्वाद देते हैं उस व्यक्ति को जो उसे पानी पिलाता है। और अगर नहीं पीता है कोई व्यक्ति तो उस पानी को फिर ले जाके सिंक में गिरा दें, उसके बाद उसे मीठा खाने को दें, ऐसा किया जाता है। और दूसरा, आपको पता है ये जली हुई बत्ती का हम क्या करें? कई लोग सोचते हैं जो दिया जलाते हैं तो बत्ती बच जाती है, उसका क्या करें? बहुत उपयोगी उपयोग बताती हूँ आपको मैं इसका। 10 दिन तक उस बत्ती को इकट्ठा कीजिए, तो आप 2 बत्ती अगर जलाते हैं तो 20 हो जाएगी, फिर ढेर सारी हो जाएगी ना मोटी सी, उसको मोटी सी बना के हाथों से बना के उसमें थोड़ा सा और तेल डाल के और 4 लौंग और थोड़ी सी कपूर डाल के जला दें, कहीं बाहर रख के जला दें, क्योंकि उसकी लौ बहुत तेज़ उठेगी। 20 अगरबत्तियों की, 20 बातियों की लौ कितनी तेज़ उठेगी, इतनी तेज़ तो उठेगी ऐसे। उसके बाद जो है, जब वो शांत हो जाए, बैठ जाए, तो अगर वो थोड़ी राख है तो उसे डिब्बे में भर के रख लें। इससे आप अपने बच्चे की नज़र उतार सकते हैं, टीका लगा सकते हैं बाहर आने जाने के लिए, जो बच्चा डरता है उसको रोज़ लगाएं वो टीका। और बाकी बची राख को आप किसी पीपल के पेड़ में, नीम के पेड़ में, मिट्टियों में मिला के रख सकते हैं। ये हो गया आपका बत्तियों का उपयोग। और इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा वास करती है, जिसे हम भगवान का नाम लेके उनको जब उनके आगे दिया जलाते हैं दोस्तों। और ऐसे ही बहुत ढेर सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।